झांसी में रिक्त ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य का निर्वाचन संपन्न कराया गया। शांतिपूर्ण निर्वाचन कराए जाने हेतु जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने निर्वाचन केंद्रों का दौरा किया। जिलाधिकारी आंद्रा बामसी ने मोट ब्लॉक के सरन ग्राम पंचायत बूथ के निरीक्षण के दौरान बताया, जिले में सभी 8 ब्लॉक क्षेत्रों में रिक्त पदों पर ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्य एवं बीडीसी सदस्य के पदों के लिए निर्वाचन आयोजित कराए जाने के लिए 56 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 89 मतदेय स्थल हैं। ब्लॉक मोट, चिरगांव, बंगरा, मऊरानीपुर में रिक्त पदों की संख्या अधिक है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने बताया, सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर एक एसआई सहित 5 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। व्यवस्था क्या कुछ इंतजाम है? आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झांसी पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके तहत हर बूथ पर 5-5 लोग लगाए गए हैं, एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल, इसके अतिरिक्त अन्य फोर्स भी लगाई गई है, मोबाइल्स लगाए गए, क्लस्टर मोबाइल्स लगाए गए हैं, बाकी सभी अधिकारी भी क्षेत्र में भ्रमणशील है। निश्चित रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव झांसी का पुलिस प्रशासन करवाएगा। कितने पदों पर, किन किन पदों? लगभग 116 हमारे पंचायत सदस्यों की और 2 ग्राम प्रधानों की और 1 ब्लॉक सदस्य की जो भी हैं, उपचुनाव के दौरान रिक्त पदों का चुनाव हो रहा है इस वक्त। और इसमें मुख्य रूप से मोट, चिरगांव, बंगरा और मौरानीपुर ब्लॉक्स में ज़्यादा सदस्यों के रिक्त चलने की वजह से हमारा विशेष अभियान और विशेष दौरा है। हमारे और कप्तान साहब के ज्वाइंट मूवमेंट भी हैं और हम पूर्ण तरीके से कोशिश करेंगे शांतिपूर्वक एक पारदर्शिता से चुनाव को यहाँ पर संतुलित कराने के लिए।